अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बॉयज़ एंड गर्ल्स, होप यू आर फाइन एंड वेल। आई एम योर बायोलॉजी लेक्चरर। टुडे 4th जुलाई 2020 आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। हमने जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज़ चैप्टर नंबर 13, सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो 206 बोन्स से मिलकर बना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एक बात की थी कि जब एक बेबी जो है बॉर्न होता है, ठीक है, एक छोटा बच्चा जो होता है उसमें 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं, ठीक है, और जो कि बाद में फ्यूज़ होकर लॉन्ग बोन्स की शक्ल में हार्ड बोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ठीक है, और टोटल जो है वो 206 बोन्स रह जाती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है वो 206 बोन्स पर बेस करता है, ठीक है। अब ये जो बोन्स हैं ये ऑर्गेनाइज होती हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पर, ठीक है, लाइक एक्सियल स्केलेटन और उसके अलावा अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो इसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब जो जैसे हेड ट्रंक होती है, ठीक है, यानी सर और धड़, तो टोटल मिलाकर सर और धड़ जो है, हेड और ट्रंक जो बॉडी का है उसमें 80 बोन्स होती हैं। अब ये जो 80 बोन्स हैं ये टोटली 5 पार्ट्स पर डिपेंड करती हैं। 5 पार्ट्स जो हैं वो कंपोज करके कंप्लीट ये 80 बोन्स बनाते हैं, ठीक है। स्कल में 22 बोन्स होती हैं जिनमें से 8 बोन्स जो है वो क्रेनियल बोन होती हैं, ठीक है, और 14 जो है वो फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन्स मीन वो बोन्स जो के ब्रेन को इंक्लोज कर रही हैं और फेशियल बोन जो के फेस को इंक्लोज कर रही हैं। और इसके अलावा 6 मिडल ईयर ओसिकल्स होते हैं, ठीक है, 3 एक तरफ एक ईयर में और 3 एक ईयर में, ठीक है, ये भी बोन्स हैं। इसके अलावा नेक में हाइड बोन होती है, ठीक है। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम वर्टिब्रीज भी कहते हैं। और चेस्ट जो है उसके इर्द गिर्द जो रिब्स हैं, ठीक है, उसमें 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है, यानी 24 जो बोन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, चेस्ट बोन्स जिन्हें कहते हैं। तो इस तरह जो एक्सियल स्केलेटन है उसकी 80 बोन्स जो है वो कंप्लीट होती हैं। तो नेक्स्ट टर्न इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास पेक्टोरल गर्डल जो है, यानी जो शोल्डर गर्डल है, शोल्डर जो बनाता है, वहाँ 4 बोन्स होती हैं, ठीक है, और आर्म्स में 6 बोन्स होती हैं। इसी तरह दोनों हाथ जो हैं उनमें 54 बोन्स होती हैं, ठीक है, और पेल्विक गर्डल यानी जो हिप बोन्स हैं वो 2 बोन्स होती हैं। इसके अलावा लेग्स में 6 बोन्स होती हैं और दोनों फीट में 54 बोन होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं तकरीबन सेम ही हैं, लाइक पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल जो हैं इनमें जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें 4 बोन, पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स, ठीक है, और इस तरह आर्म्स में 6 बोन्स होती हैं और हैंड्स में 54 बोन्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह लेग्स में 6 बोन्स होती हैं और दोनों फीट में 54 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह जो कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन जो है 206 बोन पर डिपेंड करता है। तो जब एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम कंप्लीट कंबाइन करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो 206 बोन्स कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कभी ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें उसके स्केल, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, रिब बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम, आर्म, हैंड, पेल्विक गर्डल, लेग और फुट, ठीक है। तो ये तमाम बोन्स जो हैं अगर हम इनको स्टडी करें, इनको काउंट करें, तो ये टोटल 206 बोन्स बनती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंट। सबसे पहले जॉइंट क्या होता है, ठीक है, टाइप्स पढ़ने से पहले ये देखते हैं जॉइंट क्या होता है। जॉइंट एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, और ये अलाउ करते हैं मूवमेंट को और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ठीक है। अब जॉइंट जो है उनकी अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट के किस तरह की मूवमेंट करते हैं उस बेस पर जो जॉइंट्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, यानी टाइप्स जो हैं जॉइंट्स की वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मूवमेंट है, ठीक है।
तो मूवमेंट के लिहाज से हमारे पास तीन तरह के जॉइंट्स हैं। एक है इमूवेबल जॉइंट, यानी जो फिक्स है, बिल्कुल ही मूव नहीं करता। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यानी जो बहुत ही स्लो और बहुत ही स्लाइट मूवमेंट करता है। और मूवेबल जॉइंट यानी जो आज़ादाना मूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इमूवेबल और फिक्स जॉइंट कौन से होते हैं? ऐसे जॉइंट जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। ठीक है, लाइक स्कल बोन्स। स्कल बोन्स में जो जॉइंट्स हैं बोन्स के, ठीक है, तो उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, जबकि जो ऐसे कुछ ऐसे भी इसमें होते हैं, ठीक है, लाइक के बिल्कुल भी मूव ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो होता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं स्लाइट मूवमेंट को, यानी बहुत कम मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, लाइक द जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री, यानी हमारी जो बैक बोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें जो वर्टिब्रीज हैं वो स्लाइट मूवमेंट करती हैं, लाइक हमें बेंड होने में, स्ट्रेट होने में हेल्पफुल रोल प्ले करती हैं। तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं वैरायटी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, लाइक जो शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइप्स जो हैं मूवेबल जॉइंट्स की, ये हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अब इनमें भी मेन टू टाइप्स हैं, एक है हिंग जॉइंट और एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, हिंग जॉइंट जो है वो सिर्फ मूव करता है बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे, लाइक जैसे डोर है, जब आप डोर को ओपन करते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, ओपन होता है या क्लोज होता है। बिल्कुल इसी तरह जो हिंग जॉइंट है वो एक ही प्लेन में मूव करते हैं, लाइक नी एंड एल्बो जॉइंट। अब नी और एल्बो जॉइंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी अप एंड डाउन, इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन नहीं है। और नेक्स्ट जो मूवेबल जॉइंट की टाइप है, जिसमें बॉडी के जॉइंट्स जैसे मूव करते हैं, वो बताया गया है, तो वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये अलाउ करते हैं मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, लाइक हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। लाइक अब शोल्डर जॉइंट है तो आप अपनी आर्म को इन ऑल डायरेक्शन रोटेट कर सकते हो, मूव करवा सकते हो। बिल्कुल इसी तरह हिप जॉइंट है, आप अपनी लेग को भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स जो हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और हिंग जॉइंट जो है ये मूवेबल जॉइंट्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। जब हमने पढ़ा था स्केलेटन के बारे में, ठीक है, स्केलेटन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और रोल ऑफ स्केलेटन पढ़ा था, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि बोन्स और कॉटिलेज, ठीक है, बोन्स जो हैं और कॉटिलेज जो हैं वो लिविंग सेल्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं, लिविंग सेल से, और इनका काम जो होता है ये बोन्स जो है मतलब मूवमेंट के लिए ये अलाउ करते हैं, मूवमेंट अलाउ करते हैं बॉडी की। ठीक है, और इसी तरह ये जो बोन्स है, कॉटिलेज है, ये ग्रो करते हैं और इनमें एबिलिटी होती है रिपेयर करने की। तो अब टेंडन और लिगामेंट ये जो हैं ये किस तरह इनका ये रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट जो है ये दोनों कनेक्टिव टिश्यूज़ के बैंड्स हैं। ठीक है, और कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने हैं, कोलेजन फाइबर से। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि टेंडन जो है वो बहुत ही टफ बैंड्स होते हैं और अटैच होते हैं मसल्स को, बोन के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टेंडन जो है वो एग्जर्ट करता है पुलिंग फोर्स, ठीक है, जो कि उस बोन के साथ अटैच होती है और वो मूव करता है, उस बोन को करवाता है मूव। ठीक है, और लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल बैंड्स होते हैं, और ये इनका काम होता है कि ये बोन को किसी दूसरी बोन के साथ अनदर जॉइंट पर उसे फिक्स करते हैं। ठीक है, यानी एक बोन को दूसरी बोन के साथ किसी और जॉइंट पर फिक्स करते हैं ये, और इनका काम है कि ये प्रिवेंट करते हैं डिसलोकेशन ऑफ बोन एट जॉइंट, यानी जोड़ से किसी भी हड्डी को डिसलोकेट नहीं होने देते, हड्डी को निकलने नहीं देते। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बोर्ड में भी क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी तौर पर करना है।
नेक्स्ट इज मसल एंड मूवमेंट। अब हमारे मसल्स और हमारे कैसे बॉडी की मूवमेंट होती है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब बोन्स मूव करती हैं जॉइंट पर, तो वो मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब ये मूवमेंट जो हो रही हैं बोन्स में, इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल्स की, ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनके साथ साथ जो अटैच होते हैं टेंडन और लिगामेंट वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और इस तरह जो मूवमेंट है वो अपना काम कंप्लीट करती है, अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप कह सकते हैं कि एक जैसे हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक एक्शन है, उस एक्शन के लिए जो रिएक्शन होना है वो रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मेन चीज़ है जिसने मूवमेंट लानी होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि एक एंड जो स्केलेटल मसल का है वो हमेशा किसी इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, तो वो जिस इमूवेबल बोन के साथ अटैच है उस एंड को, मसल के उस एंड को कहते हैं ओरिजन। ठीक है, और दूसरा एंड जो है मसल का जो कि किसी मूवेबल बोन के साथ अटैच है, यानी ऐसी बोन जो कि मूव करी है उसके साथ अटैच है, तो उस एंड को कहते हैं इंसर्शन। ठीक है, जब एक मसल स्टिमुलेट किया जाता है बाय नर्व इम्पल्स, तो क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और शॉर्ट हो जाता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा शॉर्ट हो जाएगा तो वो थिक भी हो जाएगा। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मूवेबल बोन है, ठीक है, एट इंसर्शन उस वो पुल हो जाती है, वो खींची जाती है। ठीक है, स्केलेटल मसल जो है ये हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इन्हें कहते हैं एंटागोनिस्ट, यानी एंटागोनिस्ट का मतलब है यानी एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। तो इन एंटागोनिस्ट में क्या होता है, एंटागोनिस्ट जो पेयर होता है मसल्स का, उसमें जो दोनों मसल्स हैं वो ऑपोजिट जॉब्स करते हैं। ठीक है, अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स होता है, अगर पहला रिलैक्स होता है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंटागोनिज्म, और इस एक्शन को कहते हैं एंटागोनिस्टिक एक्शन। अब क्या होता है कि जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और वो बैंड हो जाता है अपने जॉइंट पे, तो उसे कहते हैं फ्लेक्सर मसल, और उस मूवमेंट को कहते हैं फ्लेक्शन। जबकि एक मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और स्ट्रेट हो जाता है अपने जॉइंट पर, तो उसे कहते हैं एक्सटेंसर मसल, और इस मूवमेंट को कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल आपको बताने जा रही हूँ एंटागोनिस्टिक एक्शन की, ठीक है, जो कि हमारे जो पेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले बाइसेप और ट्राइसेप क्या होता है। बाइसेप जो है ये फ्लेक्सर मसल है जो कि आपकी अपर आर्म जो है, उस अपर आर्म बोन उसके फ्रंट पे है। ठीक है, यानी आपकी बाजू की जो फ्रंट पे है वो बाइसेप है, और आपकी बाजू की बैक पे, बैक ऑफ द आर्म जो मसल है वो एक्सटेंसर है, उन्हें ट्राइसेप कहते हैं। ठीक है, तो ये मसल जो है ये ओरिजन, इनका ओरिजन जो है वो पेक्टोरल गर्डल है, और इनका इंसर्शन जो है इन दोनों का वो फोर आर्म है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब बाइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फोर आर्म पुल होती है, ठीक है, खींची जाती है इंसर्शर वाले एंड से, तो ये फ्लेक्शन कॉज करता है एल्बो जॉइंट पर। ठीक है, और इस फ्लेक्शन के दौरान जो ट्राइसेप मसल है वो रिलैक्स किए हुए हैं, यानी आपकी आर्म के जो बैक साइड के मसल है वो रिलैक्स हैं। ठीक है, और जब ये ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर आर्म जो है वो नीचे हो जाएगी, पुल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन होगी एट एल्बो जॉइंट, और इसके दौरान जो बाइसेप मसल है वो रिलैक्स होगा। ठीक है, यानी जब आपका बाइसेप मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपकी बाजू ऊपर को उठती है। ठीक है, और नीचे वाला जो ट्राइसेप मसल है वो रिलैक्स हो रहा है, और इसी तरह जब आपका जो बाइसेप मसल है वो रिलैक्स होता है और ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपकी बाजू बिल्कुल सीधी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये जो मूवमेंट हो रही है बाइसेप और ट्राइसेप मसल की, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। इस तरह जो बाइसेप और ट्राइसेप हैं वो एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही एंटागोनिस्टिक करना होता है। ठीक है, और इसी तरह जो मूवमेंट होती है वो स्केलेटन सिस्टम में
ठीक है, वो अपना रोल प्ले करती है। ओके क्लास, टेक आउट योर पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 निकालें। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। द 206 बोन्स इन द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज इंटू लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, दैट इज एक्सियल स्केलेटन टू विच अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच। नंबर वन इज एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स इन द हेड एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी। इट इज कंपोज ऑफ 5 पार्ट्स। Skull contain 22 bones, out of which 8 are cranial bone and 14 are facial bone. There are 6 middle ear ossicles, 3 in each ear. There is also hyoid bone in neck. Vertebral column contain 26 bones that are vertebrae. The chest is made up of chest bone called sternum and 24 ribs, yani 12 pairs, right and left side par. Next is appendicular skeleton. Appendicular skeleton is composed of 126 bone. Pectoral girdle, that is shoulder girdle, is made up of 4 bones. Arms have 6 bones and both hands have 54 bones. Pelvic girdle, hip has 2 bones, legs have 6 bones and feet have 54 bone. ठीक है, तो जब आप इनको खुद से भी काउंट करेंगे एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को, तो इसमें प्लस माइनस 5 to 6 बोन्स होंगी। ठीक है, क्योंकि जो 300 बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज़ करके टोटली 206 रह जाती हैं, ठीक है, तो उनमें भी प्लस माइनस 5 बोन्स होती रहती हैं। ठीक है, यानी ये एक बिल्कुल ही एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो फिगर आउट हुई है, ठीक है, कि कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमंस में, तो वो 206 बोन्स होती हैं। Next, take out your page 62. Types of joints. A joint is the location at which two or more bones make contact. They allow movement and provide mechanical support. Joints can be classified on the basis of the degree of movement they allow. ये भी most important question है from board point of view. सबसे पहले type है joint की immovable or fixed joint. Such joint allow no movement and the joints between द स्कल बोन, ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। सच जॉइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रीज। नेक्स्ट है मूवेबल जॉइंट। दे अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट फॉर एक्सेट्रा। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी। द मेन टाइप्स आर हिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Hinge joint move back and forth like the hinge and on the door and allow movement in one plane only. The knee and elbow are hinge joint. Ball and socket joint allow movement in all directions. The hip and shoulder joint are ball and socket joint. ठीक है, तो ये तीनों types हैं movement joints की according to their movement. Next is role of tendon and ligament. Tendons and ligaments are bands of connective tissue made up of collagen. The tendons are tough band and attached muscle to bone. When a muscle contract, tendon exert a pulling force on attached bone, which moves as a result. Ligament are strong but flexible bands and join one bone to another at joint. They prevent dislocation of the bones at joint. ठीक है, तो ये role of tendon और ligament जो है ये हमेशा differentiate के form में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी तौर पर इनको अलग अलग बॉक्सेस, दो बॉक्सेस बनाकर, एक एक तरफ टेंडन्स और एक तरफ लिगामेंट लिखकर इनके जो रोल हैं वो लिखने हैं और इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कि ये किस तरह आप अटैच करें हैं वो बताना है। नेक्स्ट इज मसल एंड मूवमेंट। वी नो दैट, को कट कर दें। When bones move at joint, they produce movements. The movement in bones are brought about by contraction of skeletal muscles, which are attached with them by tendons. The role of skeletal muscle is as follows. One end of skeletal muscle is always attached with some immovable bones. This end of the muscle is called origin. Your origin ki definition hai. नेक्स्ट इंसर्शन की डेफिनेशन है। वन एंड ऑफ द मसल इज अटैच विद मूवेबल बोन।
एन इज कॉल्ड इंसर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट इनके फंक्शन के बारे में बताया गया कि किस तरह ये मूव करेंगे। व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व इम्पल्स इट कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर, ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट पुल्स मूवेबल बोन। ठीक है, कि जो मूवेबल बोन थी उसको अपनी तरफ खींच लिया। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल्स आर यूजली इन पेयर्स एंटागोनिस्ट, इन एंटागोनिस्ट पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब, व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्सेस एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिक एक्शन। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड्स द जॉइंट इट नोन एज फ्लेक्सर मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेट द जॉइंट इट इज कॉल्ड एक्सटेंसर मसल एंड मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे कोई चीज़ किसी को लंबा खींचना होता है, ठीक है, तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आपकी बाजू बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो वो एक्सटेंशन है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ स्केलेटल मसल। बाइसेप इज द फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म ऑफ द बोन, वाइल ट्राइसेप इज एन एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ आर्म। बोथ दीज मसल्स हैव देयर ओरिजिन एट पिक्टोरल गर्डल एंड इंसर्शन एट वन एंड ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोर आर्म। When bicep contract the forearm insertion and is pulled upward, it is called flexion of elbow joint. During this flexion, tricep muscle relax. When tricep muscle contract, forearm is pulled down. It is the extension at elbow joint. During it, bicep muscle relax. In this way, bicep and tricep make up antagonistic pair of muscles. Similar pairs working antagonistically across other joints provide for almost all the movement of स्केलेटन। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने इसकी डायग्राम भी करनी है। ठीक है, ये जो एक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल्स हैं ये भी आपने अपनी नीट नोटबुक पर बनानी है। इसके अलावा फिक्स्ड और स्लाइट मूवेबल जॉइंट, हिंग जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, टेंडन एंड लिगामेंट और जो ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कंप्लीट आपने जो डायग्राम्स हैं अपनी नीट नोटबुक पर बनानी है। इसके बाद जो आपका समर वर्क है यानी जो आपका एकेडमिक जर्नल है उसमें चैप्टर नंबर 13 में एमसीक्यू नंबर 22 to 56, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन 22 to 35 और लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक 1 to 4, यानी आपके 4 क्वेश्चन हैं टोटल। और ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसमें है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यही चार जो लॉन्ग क्वेश्चन मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है, तो आपने वो भी करनी है। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।